हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि वीडियोज के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या है। तो सबसे पहले इसमें है कि आप लिविंग और नॉन लिविंग में, यानी कि लाइव और नॉट ए लाइव में डिफरेंशिएट कैसे करिएगा, कि आप कैसे जानिएगा कि कोई जिंदा है या कोई मरा हुआ है। तो देखिए उसमें बोल रहा है क्या एक कुत्ता दौड़ रहा है या फिर कुत्ता दौड़ रहा है, तब आपको पता चल रहा है कि हाँ वो लिविंग है। काऊ जो है वो जुगाली कर रही है, यानी कि गाय जो है जुगाली कर रही है, तब वो लिविंग है। कोई आदमी जो है वो स्ट्रीट पे चिल्ला रहा है तो ये लिविंग है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका कुत्ता सो रहा हो और ये आदमी भी सो रहा हो और ये गाय भी सो रहा हो, तो क्या ये लिविंग नहीं होंगे? नहीं, फिर भी ये लिविंग होंगे। कैसे ये लिविंग होंगे? क्योंकि इसमें जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस और भी कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है चलते रहते हैं। ब्रीदिंग का प्रोसेस चलते रहता है, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया चलते रहती है। उसमें भोजन का जो जो फूड मटेरियल्स है वो जो है आपका जो उसका प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो चलते रहता है। सर्कुलेशन का प्रोसेस आपके बॉडी में जो है चलता रहता है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहती है। तो इस कारण से आप बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो जानवर जो है लिविंग है, ठीक है। लेकिन आप प्लांट के बारे में कैसे बात कीजिएगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो देखिए प्लांट में आप क्या देखते हैं कि वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है, हरे 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 पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कलर ऑफ उनमें लीव्स पाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये येल्लो कलर का लीफ है इसमें, तो क्या ये प्लांट लिविंग नहीं है? नहीं, ये प्लांट भी लिविंग है। और ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि लिविंग है, क्योंकि वहां पे देखिए प्लांट में क्या होता है कि ये टाइम से, मतलब ये टाइम टू टाइम जो है ये ग्रोथ होते रहता है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा इसमें ग्रोथ होता है। यहाँ पे देखिए आप ग्रोथ को देख रहे होंगे इस वीडियो में, तो इसी प्रकार जो है इसमें ग्रोथ होते रहता है। और ये बात अलग है कि प्लांट मूव नहीं कर सकता है, तो मूव अगर नहीं कर रहा है फिर भी तो प्लांट लिविंग है। कैसे लिविंग है बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें आपका ग्रोथ हो रहा है और भी आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है प्लांट के अंदर वो भी चलते रहता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस कहने का मतलब हुआ कि आपका प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पायरेशन होता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, प्लांट भी जो है, या पौधे या पेड़ भी हैं, वो भी एक तरह से सांस लेते हैं, तो उनमें भी इस तरह से प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो वो भी एक तरह से लिविंग है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कि बोला जा रहा है मूवमेंट क्या है। मूवमेंट जो है अगर स्मॉल स्केल पे मूवमेंट हो तो उसको लगभग इनविजिबल होता है हमारे आई से, ठीक है। अगर आप प्लांट को देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। अगर आप प्लांट, आप एक जगह बैठ जाइए और प्लांट को देखिए ग्रो करते हुए, तो ये आपको ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन उसको आप क्या कहते हैं, आप एक साल बाद या दो साल बाद देखेंगे कोई भी पौधा लगाए हैं तो वो ग्रो कर जाता है। यानी कि टाइम टू टाइम वो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तब उसी तरह जो है उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर ग्रोथ स्लोली हो तो आपको वो नेग्लिजिबल होगा। यानी कि अगर ग्रोथ बहुत स्मॉल स्केल में हो रहा, अगर कोई मूवमेंट बहुत स्मॉल स्केल में हो रहा हो तो वो आपको नेग्लिजिबल मूवमेंट दिखेगा, ठीक है, या इनविजिबल आपको दिखेगा, इनविजिबल आपके लिए होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं। फिर देखिए और क्या बोल रहा है इसमें कि क्या इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट जो है लाइफ के लिए नेसेसरी होता है? तो इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट जो है ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि वायरस में कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन
फिर भी ये इन्फेक्ट करता है एक से दूसरे सेल को, जैसे कि आप कोरोना वायरस का ही अभी आप देखिए ये डायग्राम कोरोना वायरस का ही दिख रहा है। तो ये क्या करता है कि अभी आप देख रहे हैं कि किसी तरह से ये आपको दिख भी नहीं रहा है वायरस, फिर भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वायरस कहीं ना कहीं लिविंग होगा ही। लेकिन वायरस के टर्म में ये कहा जाता है कि ये एक कंट्राडिक्शन है, कि कंट्रोवर्सी है कि वायरस लिविंग है या नहीं। लेकिन वायरस के बारे में एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि वायरस तब तक ही लिविंग है जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। यानी कि वायरस अगर बाहर में है, यानी कि आपके बॉडी में नहीं है वायरस, ठीक है, वो कहीं बाहर में है, बोले तो किसी, जैसे बोला जाता है ना कि हाँ आप कोरोना वायरस के लिए क्या बोला जाता है कि आप कहीं भी, आप जैसे कि ट्रेन का जो हैंडल होता है, या फिर आपका घर का जो दरवाजा का हैंडल होता है, या फिर कुछ भी जो पब्लिक प्लेस में कुछ भी होता है, तो उसको आप डायरेक्ट टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस पे वायरस वहां पे हो सकता है कि किसी ना किसी माध्यम से वहां पे जाकर के चपक गया हो, या फिर वहां पे जाकर के स्थिर हो गया हो। तो उसको अगर आप टच करोगे तो वो आपके बॉडी में, हाथ के थ्रू जो है आपके बॉडी में किसी ना किसी माध्यम से पहुंच सकता है। तो जब तक उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे वायरस है तब तक तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही ये किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट यानी लिविंग बींग के अंदर जाएगा तो वो उसका अपना मैसेनरी जो है चालू कर देता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में देखिए वायरस कैसे रेप्लीकेट करता है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए वायरस जो है किसी भी सेल पे जाकर के, यहाँ पे सेल के पे जाकर के अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें डाल दिया, और उसके बाद ये क्या करता है कि ये सेल इसको रेप्लीकेट कराना स्टार्ट कर देता है। इस सेल के माध्यम से ये रेप्लीकेट करना स्टार्ट कर देता है और अपना संख्या बढ़ाता है, और रेप्लीकेशन जो है यानी कि ये एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से वो रेप्लीकेट या अपना संख्या बढ़ाते रहता है। तो ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है कि हम लोग अर्लियर क्लास में पढ़े हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर होगा या फिर कुछ भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ये सब मिलाकर के एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जैसे स्ट्रक्चर कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए एक सेल है, और इस सेल के अंदर जो है कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर आपका ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया, इसी में आपका जो है गॉल्जी बॉडी हो जाएगा। तो ये सब आपका ऑर्गेनल्स हो गए जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए कि ये आपका वाई मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, लाइफ के लिए आपका मॉलिकुलर मूवमेंट जो है क्यों जरूरी है। मॉलिकुलर मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि लाइफ के सही से चलने के लिए मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों जरूरी है। तो मॉलिकुलर मूवमेंट में क्या होता है कि आपका जो भी लाइफ चल रहा है तो आपके बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा होगा, जैसे आप खाना खा लिए, अगर आप बैठे हुए हैं तब भी वो पचते रहेगा, अगर आप लेटे हुए हैं तब भी वो पचते रहेगा, सोए हुए हैं तब भी पचते रहेगा। ऐसा नहीं है कि सोएंगे तो फिर खाना आपका पचना बंद हो जाएगा। अगर आप रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो रिस्पायरेशन आपका ऑल द टाइम, आप कुछ भी कर रहे हो रिस्पायरेशन आप कर रहे हैं, यानी कि सांस आप ले रहे हैं, सर्कुलेशन आपके बॉडी में चल रहा है, यानी कि वो हमेशा चलते ही रहेगा। अगर वो कहीं से रुक गया तो आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इवन आपका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यों जरूरी है, क्योंकि एटम से एटम, यानी कि जैसे आपका कार्बन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, फिर नाइट्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, तो ये सब एटम होते हैं, और इनसे क्या बनता है, ढेर सारा ये एटम मिल जाएगा एक जगह तो ये मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। जैसे कि एल्डिहाइड हो गया यानी कि CHO हो गया, या फिर आपका एमिनो एसिड हो गया यानी कि उसमें एसिड ग्रुप रहेगा, आपका NH2 ग्रुप रहेगा, और हाइड्रोजन रहेगा, और कोई एक एल्काइल ग्रुप रहेगा। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि मैक्रो मतलब बड़ा होता है, और मॉलिक्यूल मतलब ये मॉलिक्यूल और ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। फिर
ये ऑर्गेनल्स बनाएगा, ऑर्गेनल्स हम लोग पहले समझ चुके हैं, और ये ऑर्गेनल्स जो है यूनाइट होकर के क्या बनाएगा, सेल बनाएगा, और सेल के बाद सेल यूनाइट होकर के, ढेर सारा सेल एक साथ यूनाइट होकर के टिश्यू बनाएगा, और ये टिश्यू जो है क्या बनाएगा, बहुत सारा टिश्यू मिलेगा। तो ऑर्गन जैसे कि आपका ये हर्ट हो गया, आई हो गया, स्टोमिक हो गया, तो ये सब आपका ऑर्गन्स, लंग्स हो गया, तो ये सब आपका ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। और ये सारे ऑर्गन ऑर्गन एक जगह जुट जाएंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर मूवमेंट, यानी कि मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि होल ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो मॉलिकुलर मूवमेंट होगा ही आपके बॉडी में, अगर नहीं होगा तब तो आप डेड हो जाइएगा, या फिर आपके बॉडी में बीमारी कुछ ना कुछ हो जाएगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, तो क्यों जरूरी है ये आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर मूवमेंट में क्या होता है कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग होता है, यानी कि कुछ ना कुछ टूटेगा और कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या टूटेगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कि देखिए What are maintenance process in living organism? तो maintenance process क्या होता है, जैसे कि हम breaking के बारे में पढ़ रहे थे और making के बारे में पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, तो ये breaking क्या होता है, जैसे कि आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं, तो चबाते हैं तो देखिए ये खाना यहाँ पे टूट रहा था, और टूट करके कहाँ गया, stomach के through, ये oesophagus के through stomach, stomach के बाद intestine, इस तरह से ये इसी प्रकार ये घूमते रहता है, और ये फिर क्या करता है, यही खाना से तो आपको एनर्जी मिलता है, इसी खाना से एनर्जी मिलता है, तभी तो आप कुछ वर्क कर पाते हैं या कुछ भी कर पाएंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी और आप लेजी फील करेंगे, इवन आपको ये कुछ ना कुछ जैसे कि चक्कर आना, ये सब हो सकता है। फिर देखिए और क्या क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेंटेनेंस प्रोसेस में, आपका ये ब्रीदिंग होता है, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब ये सांस लेना एक तरह से होता है, और फिर क्या होता है ये आपका, देखिए इसमें सारा का सारा को बताया गया है, जैसे यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम को भी समझाया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी समझाया गया है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी। देखिए देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम बताया जा रहा है, किस तरह से बॉडी में ये आपका ब्लड पंप होता है, उसी प्रकार फिर आपका जो किस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम काम करता है, और किस तरह ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये सारा का सारा प्रोसेस किससे होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण से होता है। जो आपको एनर्जी मिल रहा है वो कैसे मिलता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण से मिलता है। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, जो आप फूड खा रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, या रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा कि आपको एनर्जी देगा, ठीक है। वो हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर देखिए क्या होता है कि ये बोल रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड को लेने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि गैसेज का एक्सचेंज आपका कैसे होता है, पूरा का पूरा इंटायर बॉडी सरफेस, पूरा का पूरा इंटायर बॉडी सरफेस, जैसे कि आप बैक्टीरिया की बात कर लीजिए या फिर कोई यूगलिना या अमीबा की बात कर लीजिए, तो उसका क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी सरफेस जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है, तो ये क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन करता है। सिंपल डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, यानी कि कुछ सबस्टांस का मूवमेंट होगा, सबस्टांस मूव करेगा, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर मान लेते हैं जहाँ से कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे, यानी कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पानी का फ्लो हो रहा है एक तरह से, तो पानी का फ्लो कहाँ होगा, जहाँ पे पानी का फ्लो, पानी ज़्यादा है और जहाँ पे पानी कम है, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी कम है जहाँ पे, वहाँ पे पानी का फ्लो होगा, इस तरह से पानी का फ्लो होता है। तो यही सेम कंसेप्ट जो है आपके डिफ्यूजन में भी लगता है, तो यूगलिना या फिर अमीबा या फिर और भी कोई बैक्टीरिया की बात की जाए, तो ये क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो है आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बोलेंगे, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अपना एक्सचेंज ऑफ आपको गैस या फिर जो भी आपका एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स करते हैं, ठीक है। फिर और देखिए चार क्वेश्चन दिया है आपके एनसीईआरटी में, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन।
तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में आपका क्या होता है कि एक ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है मतलब क्या हुआ कि आपके इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है कि बाहर से आपको ऑक्सीजन फिल्टर कर करके अंदर लेना, ठीक है, और उस जो आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ कर करके कहाँ ले जाना, बाहर ले जाना। आप यहाँ पे देखे होंगे डायग्राम में, ये देखिए ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और फिर ये CO2 जो है बाहर छोड़ रहा है, तो यही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। तो इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना हुआ है, यानी कि लंग्स जिसको बोलने या हमारा नोज है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन बना हुआ है जो कि आपका क्या करेगा, आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, यानी कि सांस लेने में हेल्प करेगा। तो हम लोग जो है आपका सिंपल डिफ्यूजन से या फिर जो डिफ्यूजन है उससे हम लोग अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिफ्यूजन की बात की जाए तो अगर डिफ्यूजन हमारे बॉडी में, अगर मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होने लगा, डिफ्यूजन तो पहले पॉसिबल ही नहीं है आपके बॉडी में, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए कि आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपका ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में हाई कंसंट्रेशन है आपका CO2 या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में हाई कंसंट्रेशन है, आपके बॉडी में लो कंसंट्रेशन है। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आपके बॉडी में जाता है, तो ये चीज आप समझ रहे हैं। तो हम लोग के बॉडी में क्या है कि हम लोग का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम बना हुआ है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपका नोज हो गया या फिर लंग्स हो गया, तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन से कंबाइन इफेक्ट कर करके आपको रिस्पायरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि आपका जो भी रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन का गैस होता है वो एक्सचेंज होता है या गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और फूड हो गया। तो क्या क्या रॉ मटेरियल, मतलब क्या क्या और भी मटेरियल्स हैं जो कि आपको जरूरत होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हम लोग बाहर से क्या क्या लेते हैं, हम लोग बाहर से पानी पीते हैं, ऑक्सीजन जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें ले लिए, और फूड्स जो भी हुआ, फूड्स मटेरियल जिससे कि हमको एनर्जी मिल सके, तो ये सारे के सारे हमको जरूरत होते हैं। फिर देखिए, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी कि री मतलब फिर से, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि एक तरह से उत्पत्ति करना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मतलब हो गया कि रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब फिर से कोई ना कुछ प्रोड्यूस करेगा। तो अगर कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसका अगला जनरेशन आएगा और वो उसके अगले जनरेशन को लाएगा, ताकि उसका एग्जिस्टेंस इस इकोसिस्टम में या इस नेचर में बरकरार रह सके। तो रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन की बात की जाए, न्यूट्रिशन मतलब कि आपका डाइजेशन एक तरह से हो गया, डाइजेशन से ही तो आपको एनर्जी मिलेगा। फिर मूवमेंट की बात की जाए, तो मूवमेंट जो है आपको ये मेनली आपका एनिमल्स के केस में होता है, मूवमेंट प्लांट में नहीं होता है। ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ आपको सब में होगा, या वो प्लांट हो या वो एनिमल हो। एक्सक्रीशन की बात की जाए, अगर आप कुछ ले रहे हैं, यानी कि अगर आप जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप फूड ले रहे हैं या फिर पानी पी रहे हैं, तो उसको एक्सक्रीट भी तो कीजिएगा, है ना। तो आप लोग का एक्सक्रीशन यानी कि जो आप बाहर ये छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका बाहर निकाला जाता है, जैसे कि आपका यूरिनेशन के द्वारा हो गया या फिर डिफिकेशन यानी कि फीकल मैटर के द्वारा जो आपका निकल रहा है, तो उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। फिर रिस्पायरेशन की बात की जाए, तो रिस्पायरेशन भी आपका एसेंशियल प्रोसेस है। और सेंसिटिविटी यानी कि उसको सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि सेंसिटिविटी मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्ड करे कुछ के लिए। जैसे कि आप अगर लिविंग हैं, तो आपको अगर कोई मान लेते हैं कि हल्का सा पिंच करेगा तो आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है। तो यही तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इवन प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये टच है, टच मी नॉट प्लांट है ये, तो ये प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि रिस्पॉन्ड भी एक जो है प्रॉपर्टी है लिविंग के लिए, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए,
फिर देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो आपको क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए कि सबसे कोई अलाइव है यानी कोई जीवित है या मृत है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या क्या है, ग्रोथ होना चाहिए उसमें, ग्रोथ तो एसेंशियल है, ठीक है, जैसे प्लांट में भी ग्रोथ होता है और ह्यूमंस में भी ग्रोथ होता है, ठीक है, कोई भी एनिमल में ग्रोथ होगा। रिप्रोडक्शन आपका जरूरी है एक तरह से। फिर मेन जरूरी क्या है, सबसे जरूरी आपका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में आपका क्या क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेटाबॉलिक फंक्शन जो है एक तरह से होना चाहिए हमारे बॉडी में, ठीक है। तो और क्या है, आपका सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर जो बोलते हैं वो एक जरूरी होना चाहिए। सेलुलर स्ट्रक्चर प्लांट के केस में हो जाएगा और बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपका एनिमल्स के केस में हो जाएगा, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर आपको लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में भी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर सेल्फ कॉन्शसनेस, सेल्फ कॉन्शसनेस का क्या मतलब होता है कि अगर कुछ भी रिस्पॉन्ड, कुछ भी उसको स्टिमुलस मिले, यानी कि कुछ भी उसको एक तरह से कुछ भी उसको सूचना मिले तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। जैसे कि आपका, देखिए आप क्या करते हैं, आप अगर साउंड कहीं से आ रहा है तो आपका कान जो है उस उधर घूमेगा, या आप रिस्पॉन्ड करेगा, आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा कि उधर से साउंड आ रहा है। अगर कुछ स्मेल आ रहा है, कोई अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि हाँ ये इस चीज की खुशबू है, यानी कि आप एक तरह से लिविंग है। ये मेनली रिस्पॉन्स का जो है, सेल्फ कॉन्शसनेस जो है, ये स्पेशली ह्यूमंस में आपको होता है, या एनिमल्स में सेल्फ कॉन्शसनेस एक तरह से होता है, ठीक है। ये भी एक एसेंशियल ये फीचर है। फिर बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि फूड क्या होता है, फूड आप जो लेते हैं उससे एनर्जी आपको मिले, तो उसी को हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं कहते हैं। और वो एनर्जी क्या करता है, आपको आपके ग्रोथ में, आपके ये आपके रिपेयर में, मतलब कि बॉडी को रिपेयर करने में, बॉडी को मेंटेन करने में, ठीक है, ये आपका हेल्प करता है। फिर ये और क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल, जैसे कि आप न्यूट्रिशन जो भी खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल भी कुछ निकल जाता है हमारे बॉडी से, जो कि हमारे लिए जरूरत नहीं होता। जो हमारे लिए जरूरत रहता है वो बॉडी लेता है, और जो नहीं रहता है उसको बॉडी निकाल देता है बाहर, ठीक है। फिर देखिए फिर और क्या कह रहा है, और जो हम लोग का जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में मिलता है, हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी सुने होंगे कोई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हाँ विटामिन की कमी हो गई है तो इस कारण से ये रोग आपको हो गया है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और फैट्स जो जो हो गए या प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे जो है आपको जरूरत होते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब, ऑटो मतलब हो गया खुद, और ये ट्रॉपिक मतलब, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब हो गया कि वैसा न्यूट्रिशन, वैसा ये न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें कि खाना जो है खुद बनाए, ठीक है, खाना खुद बनाए। इन द सेंस क्या हुआ कि वैसे आप तो बोलिए कि हम लोग की भी मम्मी खाना खुद बनाती है, लेकिन उसमें क्या है कि आप खाना का जो रॉ मटेरियल है या सामग्री है वो बाजार से खरीद करके लाते हैं और उससे खाना बनाते हैं। लेकिन प्लांट्स की बात की जाए या कुछ बैक्टीरिया की बात की जाए तो वो क्या करते हैं कि जो सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में और उसके अंदर जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उससे वो क्या करता है, सनलाइट और एटमोस्फियर का यूज कर करके वो जो है आप अपने अंदर जो है खाना एक तरह से बनाता है। कैसे बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए सनलाइट से क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 और वाटर मिल रहा है इसको, और ये क्या कर दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर जिसको बोलते हैं हम लोग, और ऑक्सीजन ये क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है। यही ऑक्सीजन तो आप लेते हैं, और ये CO2 ले रहा है प्लांट, और ये आप जो है ये जो छोड़ रहा है वो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो फिर देखिए इसमें होता क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस है जिसमें कि खाना जो है ऑर्गेनिज्म खुद बनाए यानी खुद प्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर इसमें होता क्या है कि प्लांट क्या करता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है और क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कि ग्लूकोज करते हैं उसमें आपको कन्वर्ट कर देता है। और इसमें हेल्प कौन करता है, तो सनलाइट जो है ये इसमें हेल्प करता है, और ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको, ठीक है।
फिर और देखिए क्या कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट विच आर, ये क्या होता है कि जैसे प्लांट क्या करता है कि जितना कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लेते हैं कि धूप है, ठीक है, धूप है तो एक तरह से बहुत सारा वो खाना बना लिया, ठीक है, तो वो जितना खाना बना लिया, कार्बोहाइड्रेट जितना आ गया तो उतना तो वो अपना यूज कर लेगा, ठीक है, और जितना बचा उसको क्या करता है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है, तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और यही जो है आगे अगर जरूरत हो प्लांट को तो वही जो है आपको एनर्जी देता है, ठीक है। जैसे आप कोई प्लांट देखे होंगे तो जिसमें एक सीजन में तो बहुत सारा पत्ता रहता है, लेकिन एक सीजन में क्या होता है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है, फिर भी वो जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि वो क्या करता है कि अपने फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है और वो फूड मटेरियल जो है फर्दर आपका यूज होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए ये एनसीईआरटी के ही आपका डायग्राम है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला जा रहा है इसमें, इसको में लीफ को काटा गया है, ठीक है, ये मिडरिब है आपका जो बीच का है, और यहाँ पे देखिए आपका वेन्स हैं, और ये जो है आपका लैमिना ऑफ लीफ या लैमिना या लीफ ब्लेड हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ जो मिडरिब है इसी में आपका क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, वैस्कुलर बंडल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और इसका हम अगर हम लोग देखें अगर माइक्रोस्कोप पे तो हमको क्या क्या दिखेगा, वैक्सी क्यूटिकल, इसमें सबसे बाहरी जो है वैक्सी क्यूटिकल है। ये वैक्सी क्यूटिकल मतलब क्या हुआ कि ये आउटर लेयर एक तरह से वैक्सी क्यूटिकल होता है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, ईपीडर्मिस है, ठीक है, और उसके नीचे फिर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये जो है आपको ये सिलेंड्रिकल आपको जो दिख रहा है इसके अंदर जो है आपका जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन डॉट्स जो है ये स्पेशली जो है क्लोरोप्लास्ट है, और उसी में क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस का क्या होता है कि इसमें कैसे होता है, ये सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लाइट एनर्जी जो है केमिकल, लाइट एनर्जी क्या करेगा कि केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी के साथ मिल कर करके उसको तोड़ेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिल कर करके क्या करेगा कि आपको एक तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे आप लोग यही चीज तो देखे थे, ठीक है, लाइट एनर्जी जो है ये आता है और CO2 और वाटर मिलकर करके क्या करता है, ऑक्सीजन और आपका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर का प्रोडक्शन करता है। तो यही चीज तो ये भी बोल रहा है, ठीक है, फिर और क्या करता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ था ये रिड्यूस्ड होकर के क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जो आपका लाइफ प्रोसेस प्रोसेसेस होते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही सारा का सारा लाइफ प्रोसेस आपका जुड़ा हुआ है, एक तरह से उसी पे डिपेंडेंट है, उसी से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। फिर देखिए कि ये सब जितने भी प्लांट हैं तो उसमें ये स्टेप्स जो हैं एक साथ या इमीडिएटली एक बार नहीं होता है, ठीक है। कुछ प्लांट क्या करते हैं कि ये जैसे डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ये रात को अपटेक करते हैं, ठीक है, ये दिन में अपटेक नहीं करते हैं, ये रात को अपटेक करते हैं। तो दिन में तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, यानी कि दिन में तो लाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और रात में जो है CO2 का यूज कर करके अपना फूड का ये फूड वो बनाते हैं। ये डिजर्ट प्लांट में स्पेशली होता है, ये डिटेल से आप लोग आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे। देखिए ये आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ प्लांट ऑब्टेंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। तो आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या है कि एक पोर है और वो क्या करता है कि गैसियस एक्सचेंज करता है। और ये स्टोमेटा हो कहाँ सकता है, तो स्टोमेटा आपका जो है कहाँ हो सकता है, कितना भी ग्रीन पार्ट है आपके प्लांट में वहां पे आपको स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। और स्टोमेटा के अंदर ही ये देखिए स्टोमेटा, ये आपका स्टोमेटा है, और स्टोमेटा के अंदर ही आपका जो है क्या प्रेजेंट होता है, ये स्टोमेटल पोर है, और ये जो है आपका इसमें जो है क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ गार्ड सेल में जो है क्या प्रेजेंट होगा, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है।
तो स्टोमेटा में क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या करता है कि आपको गैसियस एक्सचेंज करता है। और गैसियस एक्सचेंज कैसे करता है स्टोमेटा, वो आप लोग देखिए इस डायग्राम से। देखिए सीओ टू अंदर जा रहा है ना, फिर ये ऑक्सीजन बाहर आ रहा है और वाटर भी बाहर आ रहा है। अब वाटर बाहर आ गया तो ये क्या करता है, क्लोज हो जाता है पोर। अब देखिए फिर से सीओ टू अंदर जा रहा है, फिर ओ टू बाहर आ रहा है, फिर वाटर भी बाहर आएगा, तो ये पोर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पोर का होते रहता है। तो ये आप लोग समझ गए, ये कहाँ होता है, लीफ में होता है। और ये जो दोनों जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, गार्ड सेल है। और इसी में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या है, ये सब्सिडरी सेल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए कि स्टोमेटा कैसे काम करता है, कैसे उसका प्रोसेस है, ये सारा का सारा समझ गए। अब हम लोग लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता हो, खुद से नहीं बना सकता है, तो उसको हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक ही हैं, हम लोग या जो भी एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स भी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या है कि ये क्या है कि ये खुद से खाना नहीं बना सकता है, अनेबल टू प्रोड्यूस देयर फूड एंड देयर फूड मस्ट ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से ये बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि खाना को कहाँ से लाते हैं, बाहर से, जैसे कि चावल ले आए, आटा ले आए, उसके बाद फिर हम लोग जो है खाना अपना बनाते हैं। तो ये चीज आप समझ रहे हैं ना कि कैसे ये फूड को बनाते हैं लोग, तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, और आपका एनिमल्स हो गए, तो ये आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये तीन टाइप का होता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और सेप्रोफिटिज्म और पैरासिटिज्म। होलोजोइक की बात की जाए तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि इंजेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल करता है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम लोग बाहर से लेते हैं और उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। जितना हमारे बॉडी के लिए जरूरत है उसको हम लोग यूज करेंगे और बाकी का जो भी रहेगा उसको एक्सक्रीट कर देंगे। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि होलोजोइक क्या है। होलोजोइक मतलब हुआ कि ये हम लोग क्या लेंगे, सॉलिड फूड मटेरियल लेंगे बाहर से, ठीक है। तो ये हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या क्या कर देंगे इसके लिए, ह्यूमंस हो गया होलोजोइक, एनिमल्स जो भी हो गए वो होलोजोइक हो गए, और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो भी होते हैं तो वो होलोजोइक हो गए। इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात की जाए तो वेनस फ्लाई ट्रैप आप बोल सकते हैं, या फिर पिचर प्लांट अगर आप देखे होंगे तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो कि इंसेक्ट को खाता है। तो ये एक तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आ गया। फिर सेप्रोफिटिज्म मतलब क्या हो गया कि डेड और डिकेइंग मैटर को जो खाता हो, तो डेड और डिकेइंग मैटर को कौन खाता है, बैक्टीरिया हो गया या कुछ फंगस हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये आपको डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है। तो इसमें होता क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। तो ये क्या करता है कि फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे न्यूट्रिशन उसका एब्जॉर्ब करने से पहले जो है उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है फूड को, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, ठीक है। फिर पैरासिटिज्म की बात की जाए तो पैरासिटिज्म क्या होता है कि आपका पैरासाइट, जैसे बोलते हैं ना पैरासाइट मतलब एक तरह से हुआ कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे रहता हो, जैसे कि मान लेते हैं आपका क्या क्या हो गया कि वैसा द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाई लिविंग और इन इट्स, मतलब ये क्या कर सकता है कि पैरासाइट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि या तो उसके बॉडी पे रहेगा, ठीक है, या फिर उस पे डिपेंडेंट रहेगा एक तरह से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका लीस हो गया, यानी फिर जो आपके सिर पे जो जुए होते हैं तो उनको लीसेज बोलते हैं हम लोग, तो लीस हो गया, फ्लीज हो गया, ठीक है, कुछ मक्खियाँ हो गई, फिर टेप वॉर्म हो गया, तो टेप वॉर्म आपके बॉडी के अंदर रहता है तो ये इंडो पैरासाइट हो गया, लीस हो गया, ठीक है, तो लीस आपके बॉडी के बाहर रहता है। फिर आपका देखिए कसकटा देखिए, या अमरबेल जिसको बोलते हैं, ये आपको कसकटा है, तो ये आप लोग समझ रहे होंगे, ये क्या करता है कि दूसरे प्लांट पे जाकर के आपको ये अपना फैलाव करता है और ये आपको उसी प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है,
इसका जो है ये खुद से न्यूट्रिशन नहीं बना सकता है, कुछ खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये प्लांट पे एक तरह से चढ़ जाता है और वहीं से अपना जो है ये फैलते रहता है। तो ये कसकटा या फिर अमर बेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर ऑर्चिड्स की बात की जाए तो ये जनरली देखिए इस टाइप का होता है, ये मैंगो ट्री पे आपको दिख जाएगा। तो ऑर्चिड क्या करता है कि मैंगो ट्री पे ग्रो कर जाता है और वहीं से आपका अपना जो है न्यूट्रिशन लेते रहता है, ये जो है डायरेक्ट जमीन में नहीं उगता है। तो ये सारा का सारा आप लोग समझ गए।